चिल्ड्रन वी वर डूइंग सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग और उसमें हमने नतीसा शास्त्री वाला पैराग्राफ तक कर लिया था. वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड पैराग्राफ. एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिम्बल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ता जा रहा था, डेवलप होता जा रहा था, वैसे वैसे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो नेशनल लीडर्स थे, वो आइकन्स और सिंबल्स से अवेयर होते जा रहे थे. कैसे आइकन्स एंड सिंबल से? लाइक द सिंबल ऑफ और द आइकन ऑफ भारत माता. और उनको लोगों को इंस्पायर कर रहे थे लीडर्स कि वो भी अपने अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाए. सो अब आते हैं इस बात पे कि व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर, सपोज कि ये लाइन आनी है उसमें, तो यू वॉन्ट राइट सच आइकन्स, यू विल राइट आइकन्स एंड सिम्बल्स ऑफ सच एज ऑफ भारत माता. आप सच आइकन्स नहीं लोगे क्योंकि बुक में तो बताया गया है कि वो कौन से आइकन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो फिर से नहीं बताएंगे. पर आंसर में तो आपने नहीं कहीं बताया है ना, तो अगर आप आंसर में ये लाइन इंक्लूड करते हो तो यू डोंट राइट सच. ओके. और काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें जो आपको आंसर लिखते समय ध्यान में रखनी पड़ेगी, लाइक द यूज़ ऑफ दे, कौन दे. जो आंसर पढ़ रहा है उसको तो नहीं पता नहीं कि आप कौन से लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर, स्पेशली व्हेन यू आर कॉपिंग फ्रॉम द बुक. ठीक है, अगर आप खुद से लिखोगे देन यू वॉन्ट राइट सच थिंग्स, बट अगर आप बुक से देख के लिख रहे हो सो डोंट कॉपी द होल, यूज योर ब्रेन्स. नाउ ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिजाइंड, रेड ग्रीन एंड येल्लो. तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में एक ट्राई कलर फ्लैग निकाला गया था. उसमें 8 लोटसेस थे जो रिप्रेजेंट करते थे 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड अ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स. क्रिसेंट मून इज ईद का चांद वाला जगह, जो थिन मून होता है उसको क्रिसेंट मून बोला जाता है क्योंकि वो शेप होती है क्रिसेंट की. सो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल के दौरान एक ट्राई कलर फ्लैग निकाला गया था जिसमें 8 लोटसेस थे और एक क्रिसेंट मून था. By 1921, गांधी जी had designed the स्वराज flag. अब 1921 में गांधी जी ने स्वराज flag design करा, वो भी ट्राई कलर ही था, red, green and white, and had a spinning wheel in the center, representing the Gandhian ideal of self-help. Self-help मतलब खुद की ही मदद करना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना. यू नो यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स. जैसे जो चरखा था, द यूज़ ऑफ चरखा, वो क्या शो करता था? वो यही शो करता था कि आप अपने आप पे ही भरोसा रखें, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बने. ओके. और बॉयकॉट करें चीज़ों का. सो यही था कि आप इंडिपेंडेंट बनो एंड अपनी मदद खुद करो, सेल्फ हेल्प. So carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defiance. अब यही जो flag था जो गांधी जी ने को design करा था, उसी को ही वो पकड़ के marches में चलते थे और यही symbol बन गया था defiance का. So गांधी जी ने flag पकड़ के वो साथ में चलते थे जब वो मार्चेस वगैरह निकालते थे. एंड द वर्ड ऑफ डेफियंस, डेफियंस मीन्स डिसोबीडियंस. जब आप किसी के ऑर्डर्स को ओबे नहीं करते हो, द ऑपोजिट दैट इज कॉल्ड डिसोबीडियंस. और जैसे ही गांधी जी डिसोबे करते थे लाइक ब्रिटिश लॉज एंड यू नो ही यूज्ड नॉट टू कोऑपरेट. सो ये सब सिंबल्स थे डेफियंस के.
Now another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. जो एक और मीन था जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर लाई जा सकती थी वो थी रीइंटरप्रिटेशन हिस्ट्री की. रीइंटरप्रिटेशन मतलब फिर से वो इंटरप्रेट करें अपनी हिस्ट्री को, यू नो, फिर से वो समझें, फिर से वो, और यू नो, वो प्राइड लाएं उसके अंदर. सो ऐसे जब आप अपनी हिस्ट्री को फिर से इंटरप्रेट करोगे, फिर से समझोगे, तो आपके अंदर एक प्राइड आएगा कि कितना अच्छा था इंडिया बिफोर फॉरेन रूल. बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी मैनी इंडियंस बिगैन फीलिंग दैट टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन. नाउ एक जो अनदर मीनिंग था ऑफ creating nationalism was reinterpretation of history. और 19th century के end तक जो Indians थे वो instill करने लग गए, मतलब अपने अंदर pride लाने लग गए अपने nation के प्रति, और Indian history को फिर से सोचने लग गए differently. पहले मतलब you know कि we are not slaves of any foreign rule, हम लोग खुद अपना independent India बना सकते हैं. Feelings like these. The British saw Indians as backwards and primitive, incapable of governing themselves. जो Britishers थे वो Indians को backward और primitive सोचते थे, मतलब वो सोचते थे कि वो हमसे inferior हैं, मतलब उनका status उनसे low है और वो अपने आप को खुद गवर्न नहीं कर सकते, उनको कोई आउटवर्ड फोर्स चाहिए जो उनको गवर्न करे. पर जो इंडियंस थे वो अपने पास्ट को, ग्लोरियस पास्ट को देखने लग गए और इंडिया की ग्रेट अचीवमेंट्स को डिस्कवर करने लग गए. मतलब उनको पता लगने लग गया कि इंडिया पहले कितना ग्लोरियस था, कितना अच्छा था और उसने क्या क्या अचीव करा हुआ था. They wrote about the glorious developments in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. अब जो nationalist leaders थे और Indians थे वो सब क्या लिखने लग गए, वो लिखने लग गए India के ancient times की glorious developments को. Because India एज वी नो बोला जाता था सोने की चिड़िया. ना सोने की चिड़िया अगर आप देखो तो इसलिए नहीं बोला जाता था बिकॉज उसमें सोना बहुत था, सोना था बट इट उसका जो ट्रेड था, उसकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत फ्लरिशेबल थी, वो बहुत अच्छी थी उस टाइम पर. इंडिया वॉज अ वेरी रिच कंट्री. ओके एंड एज वी हैव स्टडीड इन 7th एंड 8th जो इंडिया की रिचनेस थी उसी ने इन्वेडर्स को अट्रैक्ट करा कि वो आए और इन्वेड करें, स्पेशली आर टेम्पल्स एंड रिलीजियस प्लेसेस जहाँ पे काफ़ी बहुत अच्छी नक्काशी और बहुत अच्छे स्टोन्स सब थे. सो वी नो दैट इंडिया हैड अ वेरी ग्लोरियस पास्ट. नाउ अब इंडिया के जो अचीवमेंट्स हैं, उसके जो ग्लोरियस पास्ट हैं, वो सिर्फ एक साइड पे अक्यूमुलेटेड नहीं है, वो डिफरेंट एरियाज है. हर फील्ड में इंडिया ने फ्लरिश करा हुआ था, लाइक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसकी आर्ट भी बहुत फेमस थी, आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा था, साइंस एंड मैथमेटिक्स, वी हैव एन लेजेंड आल्सो आर्यभट्ट जिसने ज़ीरो को इन्वेंट करा था. सो साइंस एंड मैथमेटिक्स भी हमारी बहुत अच्छी थी. रिलीजन एंड कल्चर, we had a lot of cultural prospects. Law and philosophy ki kaise govern karna hai India ko, and what philosophy, different ideas, crafts or trade, jo crafts the us time ke aur jo trade tha, as I have discussed ki bahut bahut acha tha us time ka. So is glorious time ko agar hum in their view was followed by a history of decline.
सो ये इस ग्लोरियस टाइम के बाद इंडियंस को लगा कि एक डिक्लाइन होने लग गया, बिकॉज इन्वेडर्स आने लग गए, यू नो फॉरेन रूल आने लग गया. सो हम एक मेयर गवर्न, जो लोग गवर्न करते थे वो बॉडी बन गए थे. सो दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड. सो एक ये हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन के में आ गया, और जब तक इंडिया एक कॉलोनी बन गया था फॉर द ब्रिटिशर्स. दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल. अब ये जो नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज थे, जब वो रीडर पढ़ता था तब उसको बहुत प्राइड महसूस होता था इंडिया की अचीवमेंट्स पर जो एंशियंट टाइम्स में हो रखी थी. उनका पास्ट, उनका स्ट्रगल, वो बहुत इन्फ्लुएंसिव था, बहुत इंस्पायरिंग था लोगों के लिए, रीडर्स के लिए उस टाइम पे, नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पे. और उनको लगता था कि अगर वो स्ट्रगल करेंगे तो वो निकल सकते हैं ब्रिटिश रूल के अंदर से, मतलब वो ओवरथ्रो कर सकते हैं ब्रिटिश रूल को, वो अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं. सो देर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया. दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स. अब ये जो चीज़ें हैं जिनको यूनाइट करा, जिससे लोगों को यूनाइट करा जा सकता था, वो इतनी ईजी नहीं थी, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी. वेन दी पास्ट बींग ग्लोरिफाइड वॉज हिंदू, वेन दी इमेजेस सेलिब्रेटेड वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी, देन पीपल टू ऑफ अदर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट. अब मेनली जो पास्ट था, दैट इन इन एंशियंट टाइम्स देर वॉज ओनली वन रिलीजन जो मेजॉरिटी में था, दैट वॉज हिंदूज़म. सो जब इस पास्ट को देखा जा रहा था तो मेनली हिंदू रिलीजन ही ग्लोरीफाई हो रहा था, और जब हिंदू रिलीजन ग्लोरीफाई हो रहा था, एज़ वी कैन सी जो इमेज ऑफ भारत माता भी थी, दैट वॉज समवट रिलेटेड टू हिंदुज़म. तो जब ये सब चीज़ें को ग्लोरीफाई कर रहा था नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ, तब जो लोग थे अदर कम्युनिटीज़ के अपार्ट फ्रॉम हिंदूज, वो बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे थे. नाउ कमिंग टू दिस सोर्स, ई दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंसाइटफुल. आई वुडन्ट से इम्पॉर्टेंट फॉर द सिलेबस, बट आई वुड से इम्पॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज. In earlier times, foreign travelers in India marveled at the courage, truthfulness, and modesty of the people of their Arya Vamsa. अब जो earlier times में जो foreign travelers आते थे India में, वो बहुत खुश हो जाते थे, वो उनको बहुत अच्छा लगता था Indians की उस time पे courage, सच बोलने की जिज्ञासा and modesty. You know, they were very modest people. They were not uncultured. वो आर्य वंशा के जो लोग थे, but now they remark mainly on the absence of these qualities. पर जो उस टाइम पर, like this volume was written in 1858. तो जब 1858 में जब जो foreign travelers आते थे, वो Indians के बारे में अगर लिखते थे तो इन qualities के बिना लिखते थे, because Indians had reduced themselves to without these qualities. उनमें अभी ये क्वालिटीज़ नहीं थी. इन दोज डेज हिंदूज वुड सेट आउट एंड कॉन्क्वेस्ट एंड होइस्ट देयर फ्लैग्स इन तरतर चाइना एंड अदर कंट्रीज़. अब उस ज़माने में जो इंडियंस थे वो दूसरी कंट्रीज़ पे जाते थे, कॉन्कर करते थे, जीतते थे, और अपना फ्लैग्स लगाते थे, लहराते थे, लाइक इन कंट्रीज लाइक तरतर चाइना एंड अदर कंट्रीज़. पर अब Now a few soldiers from a tiny island far away are lording it over the land of India. अब अगर आपने UK का वर्ल्ड मैप पे
साइज देखा होगा तो यू कैन सी इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री कंपेरेटिवली टू इंडिया। तो जब इस छोटे से आइलैंड से कुछ सोल्जर्स आके हमें रूल कर सकते हैं, पर अगर पहले होता, पहले क्या था, पहले इंडियंस खुद कॉन्कर करते थे, अपना झंडा लहराते थे, और यू नो अगेन इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें ग्लोरीफाई करा जा रहा है इंडिया के पास्ट को। पर वो अब बोलते हैं कि अब एक छोटे से कंट्री से कुछ सोल्जर आके हमें ही कॉलोनाइज कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ रिटन बाय तरीने चरण चट्टोपाध्याय, भारत बर्शर लिथास, द हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष, इट इज़ रिटन इन वॉल्यूम 1, 1858। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द कॉन्क्लूजन, अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज दस ब्रिंगिंग टूगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेज ऑफ इंडियंस इन टू अ कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। अब इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी जो ग्रोइंग एंगर था कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, वो बढ़ता जा रहा था, और जितने भी इंडिया के डिफरेंट ग्रुप्स थे, क्लासेस थे, कम्युनिटीज थी, वो एक कॉमन स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, द ब्रिटिशर्स। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल्स ग्रेवियंसेस इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। अब जो कांग्रेस थी, जब लीडरशिप थी महात्मा गांधी की, तब महात्मा गांधी ने जो लोगों के ग्रेवियंसेस थे, ग्रेवियंस का मतलब होता है बदले की भावना या रिजेंटमेंट, जो वो थे उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट का वो दिया और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने का जोश दिया। थ्रू सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट ट्राइड टू फोर्ज अ नेशनल यूनिटी। अब इन्हीं मूवमेंट्स से जो नेशनलिस्ट थे वो एक नेशनल यूनिटी बनाना चाहते थे। नेशनल यूनिटी मतलब जिसमें सारे ग्रुप्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड डाइवर्स कम्युनिटीज साथ में आए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ें। बट एज वी हैव सीन, डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट्स विद वेरीड एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। पर अब हमने इस चैप्टर में देखा कि जो डाइवर्स ग्रुप्स थे, जो अलग अलग ग्रुप्स थे और क्लासेस थी, उन्होंने पार्टिसिपेट तो करा मूवमेंट में, पर उनका मतलब स्वराज के लिए डिफरेंट था, उनकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट थी, उनका लड़ने का रीज़न अलग अलग था। एज देयर ग्रेवियंसेस वर वाइड रेंजिंग, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल ऑल्सो मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अब उनके जो ग्रेवियंसेस थे, मतलब उनकी जो भावनाएं थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, वो भी बहुत डिफरेंट थी, बहुत वाइड रेंजिंग थी। उनकी जो रेंज थी वो एक ही मुद्दे पे नहीं थी, उनके बहुत सारे मुद्दे थे। और फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, और वो फ्रीडम भी चाहते थे कॉलोनियल रूल से, पर इसका जो मतलब था वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट था। द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस। जो कांग्रेस थी वो कंटिन्यूसली अपने अटेम्प्ट डालती थी कि जो डिफरेंस हैं बिटवीन इंडियंस उनको ज़्यादा वो ना हो और सॉल्व हो जाएं, एंड इंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलियनेट द अदर। और वो इंश्योर भी करती थी कि जो एक डिमांड है एक ग्रुप की, उससे दूसरे ग्रुप को कोई नुकसान ना हो या वो उनको एलियनेशन फील ना हो। एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ एलियनेशन इन दिस चैप्टर। दिस इज़ प्रिसाइसली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। अब इसी वजह से काफ़ी बार यूनिटी भी टूटती थी। अब हमने पढ़ा था लाइक इन द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि कैसे जो कम्युनिटीज़ थी वो फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, और कहीं एक डिमांड दूसरी कम्युनिटी की, कहीं ना कहीं जो डिफरेंट कम्युनिटी थी, लाइक एक डिमांड थी कम्युनिटी वन की, तो वो कहीं ना कहीं एलिनेट कर रही थी कम्युनिटी टू को। सो इसी वजह से मूवमेंट जो था वो भी उसका भी जज्बा कम हो जा रहा था, और
वो मूवमेंट टूट भी जा रहा था। The high points of Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between groups. अब जो high points थे Congress activity के और national unity के, उनके बाद क्या होता था? उनके बाद होता था phases of disunity, मतलब phase, एक जो phase है वो आ जाता था disunity का, मतलब जो unity थी वो टूट जाती थी, और जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मतलब जो नेशनल लीडर्स या जो पीपल ऑफ इंडिया हैं उनके ही अंदर लड़ाई झगड़े हो जाते थे। लाइक एक ग्रुप है उसका लड़ाई झगड़ा दूसरे ग्रुप हो जाता था, वो ब्रिटिशर नहीं होता था बट वो इंडियंस ही होते थे, तो इंडियंस के अंदर बहुत लड़ाई झगड़ा होने लग जाता था। इन अदर वर्ड्स व्हाट वाज इमर्जिंग वाज अ नेशन विद मेनी वॉइसेस wanting freedom from colonial rule. अब दूसरे वर्ड्स में देखा जाए तो एक नेशन था जिसकी बहुत सारी आवाज़ें थीं जो चाहती थीं फ्रीडम फ्रॉम कलोनियल रूल, बट एट द एंड अगर देखा जाए जो मेजर ग्रुप्स थे, कम्युनिटीज़ थी, वो चाहती तो स्वराज ही थी, वो चाहती फ्रीडम ही थी फ्रॉम द कलोनियल रूल। Now I won't give a separate worksheet. मैं worksheet आपको लिख के नहीं दूंगी. I am giving you these four questions जो मैंने टिक करे हुए हैं, तो जिसने वीडियो देखी होगी वो worksheet मेरे को दे देगा, नहीं तो बाकी जो वीडियो नहीं देखेंगे वो worksheet मांगते रहेंगे। So the first question is, now इसमें मैंने क्या करा है, I will give you 2-3 more questions, but ये जो चार questions हैं they are all from the starting to the end of the chapter, मतलब ये सिर्फ इस वीडियो से नहीं है क्योंकि हम अब chapter की ending पर आ चुके हैं। So I would like to know the first question is why growth of nationalism in the colonies is linked to an anti-colonial movement. Second is why Gandhiji decided to withdraw the non-cooperation movement. और इस वाले question में आप लिखोगे कि उन्होंने पहली बार क्यों करा था withdraw non-cooperation movement. Okay. The third is list all the different social groups which joined the non-cooperation movement of 1921. एंड इसमें 3 हैं, यू डोंट हैव टू राइट 3, यू हैव टू राइट ओनली 2, ओके, यू हैव टू राइट ओनली 2 एंड राइट अबाउट देयर होप्स एंड स्ट्रगल्स टू शो व्हाई दे जॉइंड द मूवमेंट। अब आप जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनको जिन सोशल ग्रुप ने हिस्सा लिया था उनको आप नेम करेंगे, सिर्फ नेम करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, और सिर्फ 2 को एक्सप्लेन करेंगे। सारे नेम्स लिखने के बाद आप किन्हीं दो को एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आप लिखेंगे कि उनकी होप्स क्या थी, उनके स्ट्रगल्स क्या थे और उनका मतलब क्या था स्वराज से, और उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन क्यों करा। एंड द फोर्थ क्वेश्चन विल बी व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफ़र शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो डिफ़र क्यों होते थे, मतलब वो उनके अलग अलग वो क्यों थे, वो अपोज क्यों करते थे जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात आती थी। एंड चिल्ड्रन द फिफ्थ क्वेश्चन विल बी व्हाई इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वॉज अ प्रॉब्लम टू यूनाइट पीपल। क्या है क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, वाई री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वॉज अ प्रॉब्लम टू यूनाइट पीपल। क्यों री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एक प्रॉब्लम भी थी जिससे पीपल को यूनाइट करा जा सकता है, ठीक है। एंड ये ज़्यादा लंबा आंसर नहीं है, इट्स अ 1 or 2 लाइन आंसर, ठीक है। सो
यू हैव दीज फाइव क्वेश्चंस, और ये फाइव क्वेश्चंस करने से पहले आपको पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। एंड कोई जल्दी नहीं है उसी दिन देने की, यू कैन सबमिट दिस वर्कशीट ऑफ फाइव क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट डे ऑल्सो, पर मेरे को प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर्स चाहिए।